ओम नमः चंडिकाय, जय माता रानी। आप सुन रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती। इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय 10, 11 और 12। दशम अध्याय। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुम्भ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुम्भ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी जी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुम्भ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुम्भ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस ससुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुम्भ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्दत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुम्भ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुम्भ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुम्भ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुम्भ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुम्भ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजी बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द
शांत हो गए। इस प्रकार 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 11वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनका त्यागनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाड़ी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शार्ङ्ग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूति रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाले, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, बाभ्रवी, तामसी, नियंता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी,
सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करें, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आते ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मन्वंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूँगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूँगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर
फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूँगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूँगी। इस प्रकार 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुम्न निशुम्न के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएँ तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएँ शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरी इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भावों का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं,
तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुम्भ तथा महाबली निशुम्भ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो इस एपिसोड में आपने श्रवण किया अध्याय 10, 11 एवं 12 का। अगले एपिसोड में आप श्रवण करेंगे अध्याय 13 तथा उसके पश्चात क्षमा प्रार्थना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जय माता रानी।